हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। लेटर नंबर थ्री में हम सीखेंगे लेटर टू द एडिटर सोसाइटी के लिए, कि हमारा लेटर टू द एडिटर का पार्ट बी है। चलिए शुरू करते हैं। लेटर टू द एडिटर फॉर सोसाइटी, फॉर्मेट लिखने का तरीका। इससे पहले मैंने भी आपको बता रखा है कि जो लेटर टू लिखा जाता है, कोई सा भी लेटर लिखने का फॉर्मेट यानी लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आएगा, यानी भेजने वाले का पता। जैसे कि आपका कोई सा भी एड्रेस, सबसे पहले ब्लॉक 13 दक्षिणपुरी न्यू दिल्ली, तो आपको भागों में लिखना, पहले ब्लॉक, फिर आपका एरिया, फिर न्यू दिल्ली। अगर नहीं दे रखा तो एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद एक लाइन छूटेगी, फिर जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर जिसको भेज रहे हैं उसकी पोस्ट, जैसे कि द एडिटर, उसके बाद द हिंदुस्तान टाइम्स, फिर न्यू दिल्ली। उसके बाद ये हो गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हम लेटर भेज रहे हैं। उसके बाद एक लाइन जुटेगी, देन आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर एक लाइन आपको स्पेस देना है, फिर उसके बाद डियर मैडम या सर या मैडम, उसके बाद एक लाइन छुटेगी, फिर मैटर ऑफ द लेटर, जो भी आपका लेटर का मैटर है, जैसे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, ये पूरा लिखना है। उसके बाद लास्ट में जब लेटर ख़त्म होगा, एक लाइन छुटेगी, फिर एक लाइन थैंकिंग यू लिखना है, देन एक लाइन का स्पेस देना है, और लास्ट में आपका योर्स फेथफुली। तो ऐसे आपका लेटर का फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी भी पिछली वीडियो में बता रखा है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेटर टू द एडिटर, अब मैंने आपको लेटर टू द एडिटर पहले भी सिखाया था, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि अथॉरिटी को कैसे लिखते हैं। इस बार हम सीख रहे हैं कि सोसाइटी को कैसे लिखते हैं। मान लेते हैं आपके सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि डाउरी सिस्टम, आप इससे बड़ा परेशान है कि डाउरी सिस्टम बहुत बुरी चीज़ है, या ईव टीजिंग हो रही है, या फिर मान लेते हैं आप सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लड़का लड़की पे भेदभाव किया जाता है, या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति प्रथा चल रही है हमारे देश में, जातिगत भेदभाव चल रहा है, कलर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ठीक है, रंग के ऊपर भेदभाव किया जा रहा है, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या फिर जो लोग होते हैं जिनका चेहरा अलग दिखता है उससे भेदभाव किया जाता है, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं उनके साथ लोग भेदभाव करते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं उनको, तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन चल रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़का लड़की में भेदभाव करना, डाउरी सिस्टम, ऐसे भेदभाव चल रहे हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है समाज के लोगों की, ये लोग जो कर रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, या जिनकी सोच ऐसी है, मेंटेलिटी ऐसी है, जो दहेज में बिलीव करते हैं, या जात पात में बिलीव करते हैं, या रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, धार्मिक सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ठीक है, तो धर्म के नाम पे भेदभाव कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप करना चाहो, मतलब अगर आप इनको सुधारना चाहते हो, तो अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इनके बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हो। तो अगर दहेज प्रथा के प्रति आपको लोगों को जागरूक करना है कि गलत चीज़ है, तो भी हम एडिटर को लेटर लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट थोड़ा लिखने का तरीका में कुछ फ़र्क आएगा, जो कॉमन लाइन्स है वो थोड़ी अलग हो जाएगी, वो आज हम सीखने वाले हैं। कैसे? क्वेश्चन हमें दे रखा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को हमें लेटर लिखना है, एडिटर को, अबाउट प्रॉब्लम ऑफ डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के लिए लिखना है, इन इंडिया, जो कि भारत में चल रही है। यू आर राम या रमा, आप राम हो या रमा हो, लिविंग एट J77 कीर्ति नगर न्यू दिल्ली। आप J77 आपका एड्रेस है, कीर्ति नगर में रह रहे हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, पहले आपका एड्रेस आएगा J77 कीर्ति नगर न्यू दिल्ली। तो ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, यानी सेल्फ एड्रेस, जो भेजने वाले का पता, यानी खुद का पता। नहीं दे रखा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल लिख देना है। उसके बाद एक लाइन छूटेगी, उसके बाद आपको लिखना है डेट, किस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आएगी, फिर आपको एक लाइन का स्पेस देना है, फिर उसके बाद जिसको भेज रहे हैं उसकी पहले पोस्ट आएगी, यानी जैसे कि हम लिख रहे हैं द एडिटर को, तो द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, तो पहले ये हमें लिखना है जिसको हम भेज रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस, फिर आपको स्पेस देना है, फिर सब्जेक्ट, प्रॉब्लम ऑफ डाउरी सिस्टम इन इंडिया, भारत में दहेज समस्या, दहेज प्रथा की समस्या है, इसके प्रति आप लेटर लिख रहे हो, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, ये जो लेटर है ये समाज को जागरूक करने के लिए, तो इसमें थोड़ा फर्क आएगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा।
फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है डियर सर या मैडम के बाद लिखना है, डियर सर या मैडम से एक पहले एक लाइन छोड़ के फिर उसके बाद भी एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद लिखना है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। इसका मतलब होता है थ्रू यानी जरिए, थ्रू यानी जरिए, द कॉलम्स यानी पेजेस ऑफ योर आपके स्टीम्ड यानी फेमस या अच्छे न्यूज़पेपर के जरिए, थ्रू यानी जरिए, कॉलम्स यानी पेजेस आपके पेजेस के जरिए ऑफ योर इसके ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आपके अच्छे न्यूज़पेपर के पेजेस के माध्यम से। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हो तो आप बोल रहे हो अखबार वाले को थ्रू यानी जरिए द कॉलम्स यानी पेजेस ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आपके अच्छे न्यूज़पेपर के माध्यम से। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा या चाहूँगी, टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहूँगा, द काइंड अटेंशन, ध्यान खींचना चाहूँगा या चाहूँगी, आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू ड्रॉ, खींचना, द काइंड अटेंशन, ध्यान खींचना चाहूँगा, ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द सोसाइटी, मैं समाज का ध्यान खींचना चाहूँगा, टूवर्ड्स की तरफ, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी सिस्टम इन इंडिया, मैं दहेज प्रथा की समस्या के लिए भारत में जो चल रही है उसकी तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा। तो दोबारा समझते हैं, आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा, टू ड्रॉ, खींचना, द काइंड अटेंशन, ध्यान, आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा, टू ड्रॉ, खींचना, द काइंड अटेंशन, ध्यान खींचना चाहूंगा, ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि हम सोसाइटी को लिख रहे हैं तो सोसाइटी को जागरूक करने के लिए हमने सोसाइटी लिखा है, सोसाइटी का ध्यान खींचना चाहूंगा, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी सिस्टम इन इंडिया, जो भी आपका मैटर वो आपको लिख देना है। अगर आपको जागरूक करना है तो आप जागरूक के लिए लिख सकते हो कि अगर आप सोसाइटी को जागरूक करना चाहते हो तो टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो बढ़ती दहेज प्रथा है उसकी तरफ आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हो समाज का, द सोसाइटी इसकी तरफ, द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी सिस्टम इन इंडिया भारत में दहेज प्रथा समस्या की ओर। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको खुद रेड लाइन में जो मैंने दे रखा है वो लाइंस आपको खुद बनानी है अपने हिसाब से। जैसे वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी हैव बीन, हम देख रहे हैं फेसिंग दिस प्रॉब्लम इस समस्या को फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से, वी हैव बीन, हम देख रहे हैं झेल रहे हैं दिस प्रॉब्लम इस समस्या को फॉर अ लॉन्ग टाइम काफी समय से, वी शुड नॉट गिव और टेक, हमें ना देना चाहिए ना लेना चाहिए डाउरी दहेज को, हमें ना दहेज लेना चाहिए ना देना चाहिए, दिस इज अ वेरी बिग इशू ऑफ अवर सोसाइटी, ये हमारे समाज का बहुत बड़ा इशू है। तो ये फ्रेंड्स आपको कुछ लाइंस या निबंध आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, कम से कम 6-7 लाइन या 50 वर्ड्स के करीब आपको खुद बनाना पड़ेगा, निबंध लिखना पड़ेगा पूरा डाउरी के ऊपर, जो भी मैटर है डाउरी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, गर्ल्स डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जातिगत भेदभाव के ऊपर आ गया तो भी ऐसे ही लिखना है, कुछ लाइंस आपको खुद बनानी पड़ेगी, या कलर डिस्क्रिमिनेशन रंग भेद लोग करते हैं गोरा काला, या रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन धर्म के नाम पे भेदभाव करते हैं, या चाइल्ड लेबरिंग बाल मजदूरी के ऊपर आ गया, तो कुछ प्रॉब्लम्स अगर सोसाइटी को जागरूक करने के लिए तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ लाइंस आपको खुद बनानी पड़ेगी। और ये ब्लैक में जो दे रखा है वो आपकी कॉमन लाइंस हैं जो आप लिख सकते हो, और रेड में जो है वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। उसके बाद जब लेटर पूरा हो जाएगा उसके बाद एक लाइन छोड़ के आई होप, मुझे आशा है या मैं आशा करता हूँ दैट कि माई लेटर, कि मेरे जो पत्र है, मेरा जो पत्र है विल गेट, उसको मिलेगा अ सूटेबल स्पेस, एक उचित स्थान इन योर न्यूज़पेपर आपके न्यूज़पेपर में, सो दैट, ताकि इट कैन, ताकि कर सके, अवेयर कर सके, इट कैन अवेयर द सोसाइटी, समाज को, टू टेक प्रॉपर एक्शन, ठीक से एक्शन लेने के लिए। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है देन थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली, जो भी आपका नाम गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो आपको एक्स वाई जेड लिख देना है। तो फ्रेंड जब आप लेटर लिख लोगे तो आपका लेटर कुछ दिखने में इस तरह सा मिलेगा, जब आप पूरा लेटर कर लेंगे तो लेटर आपका इस तरह से मिलेगा। सबसे पहले आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट, फिर डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर डियर सर या मैडम, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर पूरा जो लेटर का जो भी मैटर है वो लिखने के बाद
फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर थैंकिंग यू, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के उसके बाद योर्स फेथफुली, ये लेटर आपको पूरा बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।